गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुलम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के टॉप एमपी करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए व्यूअर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निरंतर मिलता रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं जो पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में। लास्ट में मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाल ही में कल्पना पारुलकर का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए, कल्पना पारुलकर, इनका संबंध था राजनीति से, जो थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। यह कांग्रेस की एक अच्छी नेता रही हैं और यह जो है उज्जैन जिले की महेंद्रपुर विधानसभा है, यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता और कई बार यह जो है विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुँची। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पॉर्टेंट है, साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? थर्ड आंसर इसका खजुराहो में वर्ष 2018 का साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा, यह 2 दिनी सम्मेलन था और यह खजुराहो में आयोजित किया गया था 5 और 6 जनवरी को। आप डेट याद रखें, 5 और 6 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इस साहित्य महोत्सव का? उद्देश्य बुंदेलखंड की रीति रिवाज, साहित्य कला आदि को देश और विदेश सहित मध्य प्रदेश में भी इसको लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य था। चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले अब आज का जो हम लाइक का टारगेट फिक्स किया है वह किया है 2500 लाइक का। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में हमें 2500 लाइक दिया, हम इससे बहुत उत्साहित हैं और आप आज भी हमें 2500 लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। चलिए तो सेकंड प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 28,000 से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो 28,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? आंसर इसका रहेगा 51,000 रुपये इसको कर दिया है कमलनाथ जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की इसने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 6 जनवरी को ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ किया गया, इस जो है इस मेले की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आप देखें, आपसे प्रश्न बनेगा कि ग्वालियर व्यापार मेले का जो शुरुआत है, शुभारंभ है, कब किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 6 जनवरी को जो है इसका आयोजन किया गया। आगे हम देखते हैं कि यही जो ग्वालियर व्यापार मेला है इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा 1905 में। ठीक है, 113 साल पुराना यह महोत्सव है, यह जो है यह जो व्यापार मेला है और इसकी जो है यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी, मुख्य अतिथि कौन थे इसके? हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इसके मुख्य अतिथि थे। चलिए आगे चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यह। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इंदौर में इसका आयोजन किया गया और यह आयोजन जो है परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी और इसका आयोजन इंदौर का DABB में। ठीक है, कहाँ पर? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब तक किया गया? 5 और 6 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हम यह देख लेते हैं। तो डॉक्टर ओमनंद गुरुजी, कौन है? डॉक्टर ओमनंद गुरुजी ने इसकी जो है इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए, और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होते हैं उनसे अलग यह जो है उत्सव है। और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा उत्तराखंड में इसको जो है पहली बार आयोजित किया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विमोचित की गई पुस्तक योग द अल्टीमेट साइंस तथा
स्कूल ऑफ कॉमर्स के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर बुक का नाम क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, योग द अल्टीमेट साइंस एंड सॉरी तथा स्कूल ऑफ कॉमर्स के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा ओम नंद गुरु जी। ठीक है, ओम नंद गुरु जी जिन्होंने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में अध्यक्षता इनने की थी। इनकी पुस्तक का नाम एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, योग द अल्टीमेट साइंस तथा स्कूल ऑफ कॉमर्स। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है वो दे दूँ। देखिए, हमारे द्वारा MPPSC 2019 के लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। इसमें आपको टोटल 35 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे और इसमें आपको 15 टेस्ट आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, MP करंट अफेयर्स, और जो MPPSC जिस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछती है वह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आपको 500 प्लस MP करंट अफेयर्स की PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रेट है वह है 300 रुपये, मात्र 300 रुपये में आपको 35 टेस्ट मिलेंगे। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आप MPPSC टेस्ट इतना टाइप करके हमें सेंड कर दें, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। विशेष बात, यदि आपको परचेस करना तो ही आप जो है हमसे संपर्क करें, अन्यथा ना तो अपना टाइम ख़राब करें ना ही हमारा टाइम ख़राब कराएं। और हमारी जो शाम को क्लास चलती है, यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, यदि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने जहां भी आप हैं, ठीक है, प्रदेश में, आप प्रदेश से बाहर के आप स्टूडेंट हैं, तो आप वहां यदि लोकल में टेस्ट सीरीज चल रही हैं तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने के फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, आपकी टाइमिंग, आपकी पढ़ाई सब कुछ इससे बढ़ जाती है। तो आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज से एक और शुरुआत की है, हमने इसमें जो है आज से 5 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और बच्चे इन प्रश्नों में को अधिकतर गलत करके आते हैं। तो ऐसे जीके के प्रश्न हमने आज से MP के शामिल किए हैं। इसमें प्रश्न हम देखते हैं, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा जाता था? तो राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेशों को कौन कौन से नाम से जो है पुकारते थे? सबसे पहले हम देखें इन सभी नामों से, मतलब कि ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से हम जानते थे, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते थे, और पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत के नाम से भी जानते थे, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार के नाम हम मध्य प्रदेश को राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले हम जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के विभाजन से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई थी? तो मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था, विभाजन कौन सा, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था, तो इसमें सर्वाधिक क्षति मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से हुई थी। किस दृष्टि हुई थी? आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक क्षति हुई थी। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, सीधा सीधा प्रश्न बनता है आपसे कि नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कब बना? जिस तरह से जब गांधी जी अपने दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह वहां पर कर रहे थे, उसी समय मध्य प्रदेश में भी वर्ष 1930 में, कब दोस्तों, वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश में भी जो है नमक सत्याग्रह हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम इसी तरह से, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? आप इससे परिचित होंगे बहुत सारे बच्चे, तो आंसर क्या रहेगा, चरण पादुका ग्राम, यह छतरपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर 1931 में, कब दोस्तों, 1931 में यहाँ पर सिपाही जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह यहाँ पर एक सभा कर रहे थे, उन पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर ली, इस पे कई लोगों की जान गई। यह घटना कब की है, 1931 की। इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ग्राम कौन सा है, चरण पादुका ग्राम, जिला कौन सा है, छतरपुर जिला में पड़ता है। आगे हम चलते हैं, चीनी यात्री वेंगसांग, ठीक है, वेंगसांग एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भ्रमण किया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, महिष्मती का उसने भ्रमण किया था। ठीक है, और आज का प्रश्न है आपके लिए, और इन प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो प्रश्न है, 64वें राष्ट्रीय साले खेल प्रतियोगिता बॉक्सिंग के लिए, याद रखना यहाँ पर 64वीं जो राष्ट्रीय साले प्रतियोगिता है इसमें बॉक्सिंग के लिए कहाँ आयोजित की जा रही है,
जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से की गई? तो यहाँ पर देखिए, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की शुरुआत मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई है, यह कब से की गई है? आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए। 2 जनवरी से, 3 जनवरी से, 4 जनवरी से या 5 जनवरी 2019 से? तो दोस्तों इनका आंसर मुझे दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हम बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।